हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारी जो ये क्लासेस चल रही हैं पेडागोजी की, उसमें सारी हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं, जिससे पहले वाली प्रीवियस वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने तीन आपके साथ थ्योरीज डिस्कस कर ली हैं। ये हमारी फोर्थ थ्योरी है, इनसाइट थ्योरी, यानी कि सोच का सिद्धांत। ये हमारा सोच का सिद्धांत किसने दिया है, ये वाली थ्योरी दी है आपकी कॉलर कॉफ का। ये सारे क्या हैं, गेस्टाल्टवादी हैं, ठीक है। इनको गेस्टाल्टवादी बोलते हैं। जो ये इनसाइड यानी कि सूझ, सूझ का मतलब क्या होता है, सूझ का मतलब होता है कि एकदम से आपके माइंड में कोई थॉट आ जाना किसी भी चीज के बारे में। अब जैसे मैं आप के सामने कुछ चीज़ प्रेजेंट कर रही हूँ, कुछ पढ़ा रही हूँ या ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, तो एकदम से मेरे माइंड में जो एग्जांपल्स आ जाते हैं इससे रिलेटेड, या मैं कोई और पॉइंट सोचने लगती हूँ या आपके साथ डिस्कस करती हूँ, तो वो क्या है, वो सारे इनसाइट थॉट्स हैं। उनके लिए मुझे कोई प्रीवियस प्लानिंग और ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती, वो एकदम से ऑटोमेटिक अचानक मेरे दिमाग में क्या है आ जाते हैं, जिससे मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो ये सारी क्या होते हैं, इनसाइट्स होते हैं, यानी कि सूझ होते हैं। तो कोहलर और कोफ का जी ने सूझ का सिद्धांत दिया था कि बच्चे के अंदर जो लर्निंग होती है वो उसके खुद के द्वारा यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड होकर भी हो सकती है। लाइक जब उसके दिमाग में कोई सूझ उत्पन्न हो रही है, कोई जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम है कि बल्ब नहीं चल रहा है, ये बल्ब नहीं चल रहा है, इसका तार टूट गया, ठीक है। तो एकदम से दिमाग में आया कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा, शायद इसका तार टूट गया है, तो इसको ठीक कैसे करना है। बल्ब निकाला, उसका तार जोड़ा, लगा दिया, हो गया, ठीक है। उसके लिए आपने कोई पहले प्लानिंग नहीं करी या कुछ नहीं करी, तो वो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एकदम से जो इनसाइटली हमारे माइंड में आती है ना, कि एक सूझ उत्पन्न होती है। आपने कार्टून्स वगैरह में देखा होगा कि यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा है और वो किसी चीज़ को देख रहा है, मान लीजिए यहाँ पे पार्क को देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे पार्क है, ठीक है, वो इसको देख रहा है, तो वो क्या है, एकदम से जब इसको देखेगा तो उसके माइंड में एक इनसाइड, एक यहाँ पे ऐसे कुछ बल्ब या बादल बनते हैं, तो उसके माइंड में एकदम से क्या आएगा, राइट्स आ जाएंगी, घास आ जाएगी, कि पार्क में क्या होती है, राइट्स होती हैं, घास होती हैं, बच्चे खेल रहे होंगे, प्लेज होंगे, फुटबॉल्स होंगी, और ये सारी चीज़ें क्या है, एकदम माइंड में इनसाइडली आपके दिमाग में आ जाती है। अगर कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ और मैं सीधे अपने रास्ते पे जा रही हूँ, लेकिन किसी ने मुझे ओवरटेक किया, एकदम से मेरे रास्ते में आ गया, तो एकदम से मैंने वहाँ पे क्या किया, इंस्टेंटली ब्रेक लगा दिए, तो वहाँ पे वो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मेरे दिमाग में एकदम आया कि ब्रेक लगाने है, तो वहाँ पे मैंने कंडीशनिंग एकदम ब्रेक लगा दिए, वहाँ पे इस तरह का मैंने वहाँ पे रिस्पॉन्स किया, ठीक है। तो जो हमारा सूझ का सिद्धांत है, ये हमारे कोहलर और कोफ का जी ने 1913 से 1918 के बीच दिया, जो एक चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में आ जाता है और लास्ट टू लास्ट आप KVS का ही पेपर उठा के देख लीजिए, उसके अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 1913 और 1918 के बीच जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इनसाइट थ्योरी का, उसके अंदर किस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसका नाम क्या था और कहाँ पर किया गया था। तो किस पर किया गया था, एक चिंपैंजी पर किया गया था ये एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, जिसका नाम सुल्तान था, और ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया गया था, कैनरी आइसलैंड, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कोहलर और कोफका के थ्रू, ये सुल्तान के ऊपर किया गया था, कैनरी आइसलैंड पर किया गया था, 1930 से 1918 के बीच इसको किया गया था, ठीक है। अब सुल्तान के ऊपर दो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, दो एक्सपेरिमेंट कैसे किए गए थे, फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो था एक्सपेरिमेंट
ऑन बॉक्स, सेकेंड था एक्सपेरिमेंट ऑन, सेकेंड था एक्सपेरिमेंट ऑन स्टिक। ठीक है, अब इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट था एक्सपेरिमेंट ऑन बॉक्स, उसमें क्या किया गया था कि सुल्तान के सामने, चिंपेंजी के सामने ऐसी कंडीशंस रखी थी बॉक्स की, जो वो सॉल्व कर सके बॉक्स के थ्रू। अब उसमें क्या किया गया था कि चिंपेंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया, उससे बहुत हाइट की ऊपर पे केले लटका दिए गए, ठीक है, और कुछ बॉक्सेस के पीसेस तोड़कर, जैसे मान लीजिए डब्बे होते हैं खाली, वो तीन चार अलग अलग रख दिए। अब चिंपेंजी ने क्या किया, उसको भूख लगी थी, उसको वो केले चाहिए थे जो उसकी ऊंचाई, हाथ की ऊंचाई से बहुत ऊपर थे, तो चिंपेंजी ने क्या किया कि उछल कर पकड़ने की कोशिश करी, वो उसके हाथ नहीं आए, फिर दोबारा उछल कर पकड़ने की कोशिश करी, फिर नहीं आए, फिर वो थोड़ी देर बैठा, फिर उसके दिमाग में एक इंसाइट आई, एक सूझ आई कि क्यों ना मैं इस बॉक्स का उपयोग कर कर केले खा लेता हूँ। उसने पहला वाला बॉक्स उठाया, उसको रखा, उसके ऊपर चढ़ा, फिर उसने केले प्राप्त करने की कोशिश करी, फिर उसको केले नहीं मिले, वो अभी भी काफ़ी ऊंचाई पर थे। फिर उसका सेकंड थॉट आया, मैं सेकंड बॉक्स का यूज़ कर लेता हूँ, फिर उसने दूसरा डिब्बा उस फर्स्ट वाले के ऊपर रखा, फिर उसने केले पकड़ने की कोशिश करी, फिर उसको केले नहीं मिले, अभी भी वो थोड़ी और हाइट पर थे। तो लास्टली एकदम इंसाइट आया कि अब मैं थर्ड का उपयोग करके केले शायद मिल जाए मुझे, तो उसने थर्ड बॉक्स को जब उसके ऊपर रखा, तो उस वो जब वो उसके ऊपर चढ़ा तो उसको क्या था, केले मिल गए और उसने खा लिए। तो उसने जो ये सारी कंडीशन करी कि उसने फर्स्ट बॉक्स के ऊपर सेकेंड बॉक्स रखा, फिर थर्ड बॉक्स रखा, फिर यहाँ पर खुद खड़ा हुआ और यहाँ पे जो लटके हुए केले थे वो उसने लेके खा लिए। तो ये सारी क्या थी, ये सारे चीज़ें उसके माइंड में इंस्टेंटली आए, यानी कि उसकी सोच के द्वारा आए, एकदम एक बल्ब जला और उसे आया कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, तीनों का यूज़ करके मैं केले ले लेता हूँ। ठीक है, उसके लिए उसको कुछ ट्रायल एरर और ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ी। इसके बाद आता है सेकेंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ऑन स्टिक। अब जो स्टिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट था, यानी कि छड़ी के ऊपर एक्सपेरिमेंट था, वो क्या था, जो सुल्तान था उसको एक पिंजरे में बंद किया गया, भूखे सुल्तान को, उसको भूख लगी थी, और उससे दूरी पर, काफ़ी दूरी पर केले टेबल के ऊपर रख दिए। ठीक है, अब पिंजरे से बाहर उसको केले चाहिए खाने के लिए क्योंकि भूख लगी है, और उसके अंदर पिंजरे के अंदर एक लंबी सी छड़ी जिसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, वो आपने जॉइंट करने वाली स्टिक देखी है ना, बच्चों की खेलने वाली भी आती है जो कुछ इस तरह से होती है, रॉड ऐसे, और इसके पोल्स होते हैं जो एक दूसरे में जॉइंट हो जाते हैं, ये वाला पॉइंट इसमें जॉइंट हो जाएगा तो ये ऐसे लंबी बन जाएगी, राइट। तो इस तरह की स्टिक रखी गई थी जिसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके अंदर तोड़कर रखा गया था। सुल्तान को क्या हुआ, उसने हाथ मार के खाना लेने की कोशिश करी, केले लेने की, उसको नहीं मिले वो केले, फिर वो बैठा तो उसने देखा कि मेरे पास एक छड़ी पड़ी है, उसने वो छड़ी उठाई, फिर ऐसे करके एक पिंजरे के बाहर से केले प्राप्त करने की कोशिश करी, उसको फिर नहीं मिले, तो उसने देखा कि दो छड़ी के टुकड़े और पड़े हैं, तो उसने उठाकर उनको इधर उधर से मारना तोड़ना शुरू किया, तो वो आपस में जॉइंट हो गई, तो उसको लगा अब ये इतनी थी और आपस में जॉइंट होने के बाद वो इतनी लंबी हो गई, तो उसने फिर उसको तोड़ के देखा कि अरे ये तो जॉइंट हो रही है, तो उसने दो को जॉइंट करके, दो को ऐसे जॉइंट करके लंबा स्टिक करके उसने फिर केले प्राप्त करने की कोशिश करी, फिर वो केले थोड़ी और दूरी पर थे, फिर वो उससे, उसकी पहुंच से दूर था, तो उसने क्या किया, उसको पता चल गया था ये चीज़ कि हाँ मेरे ये दो स्टिक जॉइंट करके मुझे इतना मैं पहुंच गया हूँ दूर तक, तो मेरे पास थर्ड पीस और पड़ा, उसने वो भी उसके साथ जॉइंट किया और देन उसने किया ट्राई, तो उसको केले मिल गए। ठीक है, ये दो एक्सपेरिमेंट कॉलर और कोफ्का ने किए थे सुल्तान के ऊपर, चिंपेंजी के ऊपर, एक था बॉक्स, जो बॉक्स को रख रख के उसने केले प्राप्त किए जो वो हाइट पर थे,
और सेकंड था स्टिक जो दूरी पर थे, जिसको उसने स्टिक्स को ज्वाइन कर करके उनको प्राप्त करने के लिए ट्राई किया, उसको केले मिले। ठीक है, अब इस वाली थ्योरी का एजुकेशन में क्या यूज़ है, शैक्षिक महत्व क्या है इसका? देखिए, जो ये थ्योरी दी गई है इसके अंदर फर्स्ट यही पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि बच्चा अपनी सोच के द्वारा कई बारी सीख सकता है। ठीक है, हमको कई बारी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि ज़रूरी नहीं बच्चे को सब चीज़ें प्री प्लान करके रटवा के एग्जांपल्स देके और ऐसे ही सिखाया जा सके। कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं बच्चा खुद से सेल्फ अपने आप उसके माइंड में कोई ना कोई इनसाइट थ्योरीज या इनसाइट थॉट्स आ जाती हैं, कुछ सूझ उत्पन्न हो जाती है जिससे बच्चा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। अब जैसे कभी कभी होता है कि मान लीजिए बच्चा टीवी देख रहा है और रिमोट नहीं चल रहा है, तो बच्चे के माइंड में एकदम थॉट आती है ना कि शायद इसके सेल वीक हो गए हों, तो वो निकाल के सेल चेक करता है कि सेल तो वो चेंज करके देखता है, फिर अगर नहीं चल रहे होते तो चेंज कर देता है, दूसरे लगा देता है, उनकी डायरेक्शन चेंज करने के बाद दूसरे यूज़ करता है। तो वहाँ पे क्या है, वो चीज़ बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती, वो चीज़ें बच्चे में ऑटोमेटिकली इनसाइट एकदम सूझ उत्पन्न होती है कि ये चीज़ ऐसे सॉल्व हो सकती है, क्योंकि बच्चे को पहले से पता है कि जो रिमोट है वो सेल से चलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो नहीं चल रहा है तो सेल ही ख़राब होंगे ना उसके, वहाँ पर उसको कोई क्लासेस देने की तो ज़रूरत नहीं है ना। तो इसीलिए बच्चे के अंदर जो सूझ उत्पन्न होती है, बच्चा अपनी सूझ के द्वारा भी खुद सीख सकता है। सेकंड पॉइंट आता है कि बच्चा जब भी अपनी सूझ के द्वारा कोई चीज़ सीखे तो बच्चे को इतना एक्टिव होना चाहिए और इतना बेस्ट ऑब्जर्वर होना चाहिए कि वो अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। अगर मान लीजिए बच्चा ठीक से ऑब्जर्व ही नहीं करेगा तो उसको सॉल्व क्या करेगा, राइट ना। अगर मान लीजिए बच्चे को यही नहीं पता चल रहा, बच्चा टीवी का रिमोट दबा रहा है कि चैनल चेंज नहीं हो रहे हैं, बच्चे को ये पता चल रहा है कि हाँ टीवी चल रहा है और मुझे चैनल चेंज करना है, राइट, या उसका वॉइस कम करनी है, ठीक है, और वो कर कुछ रहा है, वॉइस कम कर रही है लेकिन चैनल चेंज कर रहा है, तो कहेगा नहीं मम्मा वॉइस का बटन तो ख़राब हो गया, मैं क्या करूँ, ये तो वॉइस का बटन ख़राब हो गया। आप पहले ऑब्जर्व करो अच्छे से कि आपको करना क्या है, आप कर क्या रहे हो। तो इसीलिए बच्चे को एक बेस्ट ऑब्जर्वर होना चाहिए, जब तक वो प्रॉपर वे में ऑब्जर्व नहीं करेगा तब तक उसको प्रॉपर वे में सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, थर्ड इसके अंदर आता है बच्चे की अटेंशन, डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, बच्चा जितना अपनी अटेंशन देगा या बच्चा जितना किसी चीज़ को अच्छे से सीखेगा या करने की कोशिश करेगा उतना वो बहुत एक प्रॉपर वे में होगा। जैसे यहाँ पे सुल्तान ने किया कि उसने एक बॉक्स को रखा, दूसरे को रखा, तीसरे को रखा, एक के बाद एक सूच के बाद उसने वो ये सारी क्रियाएँ करी और लास्ट में उसको क्या था, खाना मिल गया, जिससे उसने अपनी भूख को शांत कर लिया। तो ऐसे ही अगर बच्चा एक काम को करने के बाद सेकंड करे, थर्ड करे, उनको आपस में कोरिलेट करता हुआ चले तो बच्चा लास्टली प्रॉपरली बहुत अच्छे से सीख सकता है। लेकिन अगर एक काम करके छोड़ दिया, ज़रूरत ही नहीं आगे सीखने की, सेकंड काम करके छोड़ दिया, तो वो जो लास्ट का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है सेट किया हुआ कि एट लास्ट बच्चे को ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, ये चीज़ बच्चा सीख जाएगा या ये कार्य करने लगेगा, तो उसका कोई यूज़ ही नहीं रह गया, क्योंकि बच्चे ने उसको आधे में ही छोड़ दिया। अगर सुल्तान इसको दो बॉक्स रखने के बाद आधे में ही छोड़ देता कि ठीक है मैं थक गया मेरे से नहीं हो रहा, तो क्या उसको खाना मिलता, नहीं मिलता ना, वो भी अपना ये वाला खाना मिलने का ऑब्जेक्टिव क्या है पूरा नहीं कर पाता। तो इसीलिए बच्चे को भी इतना एक्टिव और इतना अंदर से मोटिवेटेड होना चाहिए कि वो लास्ट तक क्रिया करता रहे, एक्सपेरिमेंट्स करता रहे, अपने जो इंसाइट्स उसके थॉट्स माइंड में आ रहे हैं उनको अप्लाई करता रहे, यूज़ करता रहे। जैसे बल का आविष्कार या बोलते हैं जो ये सारे आविष्कार हुए हैं और जो लॉज आए थे हमारे, तो बल के आविष्कार में भी पता नहीं कितनी बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। अगर वो दो बार एक्सपेरिमेंट, 10 बार एक्सपेरिमेंट, 20 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद थक जाते तो क्या बल्ब का आविष्कार होता, नहीं होता। लेकिन पता नहीं उन्होंने 162 बार, 173 बार, कितनी बार एक्सपेरिमेंट किए, जब जाके लास्ट में उनको सक्सेस मिली। तो बच्चे के अंदर इतने पेशेंस
और इतना बच्चे को एक्टिव होना चाहिए कि बच्चा किसी भी कार्य को बीच में ना छोड़े, वो अपना लास्ट तक उस कार्य को करे जिससे बच्चे को लास्ट में जो उसके ऑब्जेक्टिव सेट्स किए गए हैं वो उसको प्रॉपर वे में अचीव हो सके, अचीवमेंट मिल सके। ठीक है, तो इस थ्योरी के थ्रू आपने ये सारी चीज़ें सीखनी कि बच्चे को एक अच्छा एक्टर, वो ऑब्जर्वर होना चाहिए, एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए, खुद के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहे बच्चा, और बच्चा जो अपने थॉट्स हैं इतना एक्टिव रहे, इतने पेशेंस रहे उसमें कि वो किसी भी काम को लास्ट तक करे, बीच में ना छोड़े आधा अधूरा, और अपने लिए ही रेनफोर्समेंट और मोटिवेशन खुद के लिए प्रिपेयर रखे। ठीक है, तो हमारी इनसाइट थ्योरी किसने दी? फर्स्ट क्वेश्चन कोहलर और कोफ का। इनको कई बार ऑप्शंस में आपको ये नाम नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट गेस्टॉल्ट मिल सकते हैं कि गेस्टॉल्टवादी ने, तो आपको ये ऑप्शंस लगाना है कि गेस्टॉल्ट ने दिया हमारा इनसाइट थ्योरी। ठीक है, कब दिया? 1913 से लेके 1918 के बीच इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे। कहाँ किए थे? कैनरी आइसलैंड पे किए थे। किसके ऊपर किए थे? चिंपैंजी के ऊपर किए थे, और उस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था। और दो एक्सपेरिमेंट्स क्या दिए थे? एक्सपेरिमेंट ऑन बॉक्स दिया था और एक्सपेरिमेंट ऑन स्टिक दिया था। ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट थे कि बॉक्स के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व कराई गई थी और स्टिक को ज्वाइन करके उसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व कराई गई थी। ठीक है, ये छोटी सी थ्योरी है, यहीं पे फिनिश होती है। आपको इसके एजुकेशनल साइंस भी बता दिया है मैंने कि क्या बेनिफिट्स हैं, आपको कैसे अपनी एजुकेशन से रिलेट करके इसको टीचिंग में यूज़ करना है, बच्चों के लिए यूज़फुल बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी करेंगे। थैंक यू सो मच।